ये बहुत अच्छी, हाँ बोले ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, और एक बहुत बड़ा मंच भी आपने प्रोवाइड कर दिया लोगों के लिए, व्यवसायियों के लिए। इस तरीके के मंच अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत आसान होगा, और ये लड़ाई हम लोग लड़ पाएंगे। अन्यथा व्यापारी तो एक गरीब ब्राह्मण की लड़की होती है, असहाय गाय होती है, जिसके ऊपर में हर कोई अत्याचार करने के लिए बैठा रहता है। और ये आपने जितनी बढ़िया बात बताई जापान की, कि जापान के अंदर में कितना उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, पर हिंदुस्तान के अंदर में दुखद है कि व्यापारी को आज भी एक चोर की दृष्टि से देखा जाता है, और इतने महकमे उसके ऊपर में लगाए जाते हैं, इतने महकमे लगाए जाते हैं कि वो कहीं से भी चोरी ना कर पाए, मतलब जैसे व्यापारी ना हो गया और चोर हो गया हो। तो ये आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सर, मैं आपके लिए, आपको और आशुतोष जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जी चलते चलते आप आखिरी टिप्पणी कर दीजिए कि ये स्वाति मालीवाल जी ने आपको, हमको, पूरे देश को जागृत किया है, क्या हम उन्हें बधाई दें, हम उन्हें बधाई दें, शुभकामना दें कि उनके फ्रॉडलेंट बिहेवियर से पूरा देश जग रहा है। देखिए कैसा है, एक बात, एवरी जो नेपोलियन हिल है उन्होंने एक बुक लिखी है द लॉ ऑफ सक्सेस, उसमें उन्होंने लिखा है कि every loss, every adversity has a seed of benefit more than it. तो जो जितना problem रहता है उस वो problem wrapper का नाम रहता है, अंदर opportunity रहती है। तो इन्होंने जो ये काम किया है तो ये करेंगे ना, देखिए जितना हम लोग जागरूक होंगे, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, वो खुद को बचने के लिए ऐसे कोई ना कोई गलतियां करेंगे। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए अगर ये रिपोर्ट है, ये रिमोट को ये लोगों ने क्या किया, पहले दिन से क्या बताया कि ये मारुति कार है, मतलब ये कार है। आप बहुत नए 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 नैरेटिव चलाते रहे चलाते रहे, जब बारी आ गई, भाई ठीक है सब तुम्हारा बाजू में रखो, इसमें बैठ के हमको दूर तक छोड़कर तो आओ, ट्रायल कर लो, तब इनका पोल खुलना शुरू हो गया है। तो अभी उससे बचने के लिए फिर एक नया नैरेटिव चालू हो गया है। तो इस बारे में जो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि आप बार बार जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, तो ये अभी जनता जाग गई है। और जैसा देखिए सरकार कौन है, ये व्यापारी भाई और कॉमन मैन समझ ले, सरकार कौन है, अरे हमारे से ही तो सरकार बनती है ना भाई। पब्लिक सर्वेंट कौन है, हम टैक्स देंगे उसमें से उनका सैलरी निकलेगा। तो हर गांव के लोग अगर जमा होना शुरू हो जाए, अपने एरिया के सांसद को, अपने एरिया के एमएलए को जाके रोज उसके घर पे बैठना शुरू हो जाए, भाई क्या तुम तो हमारे नेता बनते हो ना, हमारे नेता बनते हो तो ये कानून प्रावधान है, कॉम्पेंसेशन दिलवाओ। अब ये सब लोग जाकर वहां बोलेंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे चीफ मिनिस्टर हो, बोलेंगे भाई साहब हमारा एरिया में घूमना मुश्किल हो गया है, या तो इनको दो नहीं तो बहुत तकलीफ है अपने अगली बार इलेक्शन में। तो ये उनको हम एम्बेरस कर सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं, या उसके लिए जरूरत है लोगों ने जागरूक होने की। और जाते जाते चार लाइनें मैं और बोलता हूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।